डीपफेक को लेकर सरकार नए नियम ला रही है। 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि नए आईटी नियमों में गलत सूचना डीपफेक को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं और सभी को इसका पालन करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि डीपफेक लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट बनकर उभरा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डीपफेक की गंभीरता को स्वीकार किया है, इसीलिए नए आईटी नियमों में डीपफेक के क्रिएटर्स और उसको होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दरअसल हाल में ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर भी डीपफेक का शिकार बन गए थे। एक डीपफेक वीडियो में ऐसा दिखाया गया था कि सचिन तेंदुलकर एक गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। इस वीडियो में सचिन ऐसा कहते देखे और सुने जा सकते हैं कि उनकी बेटी सारा ने इस ऐप से काफी पैसा कमाया है, जबकि सचिन ने खुद कहा कि ये वीडियो नकली है और धोखा देने के लिए बनाया गया है। और अब सरकार की तरफ से भी बयान आ गया है कि इन डीप फेक वीडियो के खिलाफ वो सख्त नियम लेकर आ रही है।